इस्लाम हक है, सच है, देखते हुए भी सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए। अगर तुम ऐ इंसान हक का इनकार करोगे तो पता है क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हक तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। आज देखकर भी आंखें बंद कर रहे हो, मुंह फेर रहे हो, कल हो सकता है तुम्हारी सजा यह होगी तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, समझ में भी नहीं आएगा, अंधे हो जाओगे। अगर सच्चाई की थोड़ी भी कद्र है तो मुंह ना मोड़ो, हक कबूल करो, ऊपर वाले की मदद मांगो, अच्छी नियत रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अंदर चेंज आएगा। सोचो ऊपर वाले से बचकर भागना है, जरा ये तो बताओ कहां भागोगे? क्या कोई एक ऐसी जगह है जहां उसका कंट्रोल नहीं है, जहां देखो उसकी निशानियां हैं? ये आसमान में, इस जमीन पर, तुम्हारे खुद के जिस्म में, तुम्हारी रूह में, तुम्हारी फैमिली में, बल्कि हर एक चीज में। उसकी नेमतों का इंकार करोगे? उसकी अनगिनत नेमतें रोज तुम्हारे सामने होगी, हर चीज उसी की दी हुई है, कितना इंकार करोगे, कितनी ना शुक्री करोगे? दुनिया को एंजॉय करना है, क्या मिलने वाला है आखिर में? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, खालीपन, जैसे किसी चीज के पीछे जितना भागो उतना आगे चले जाती है। दिल का सुकून तो सिर्फ एक जगह मिलेगा, अल्लाह के सामने सरेंडर करने से। जिंदगी को एंजॉयमेंट की जगह समझ रखे हो, फिर यहां बीमारी क्यों है, बुढ़ापा क्यों है, तकलीफें क्यों हैं, आजमाइशें क्यों हैं, और फिर मौत क्यों है? क्या मुसीबतें आना बंद हो जाएगी? जब मुसीबत आएगी तो किसे पुकारोगे? जब आफत सर पर होती है, जब कोई नहीं होता है, तब कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, अब जिंदगी में क्या मकसद रह गया? बस खाना पीना, ख्वाहिशें पूरी करना, ये तो जानवर जैसी जिंदगी है, बल्कि जानवर से भी बदतर, क्योंकि तुम जानते हो कि जानवरों में उतनी समझ नहीं होती जितना हम इंसानों में है। अब किसके डर से तुम जुल्म से बचोगे? शराब से, जुए से, गलत ताल्लुकात से, बड़े बड़े गुनाहों से तुम्हारे अंदर का जानवर किसके डर से रुकेगा? लालच से, गुस्से से, क्या तुम खुद अपने आप को पसंद कर पाओगे? अच्छाई करने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह है। हम उसकी खुशी के लिए नेकी करते हैं, कोई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है। अब जब तुम अल्लाह का ही इनकार कर बैठोगे और दुनिया भी फायदा भी ना दिखाई दे तो नेकी करना मुश्किल हो जाएगा। अब किसकी खुशी के लिए नेकी करके दिल को सुकून मिलेगा? अब किसके सामने झुककर अपना गुरूर तोड़ोगे? अब किसकी याद से दिल को इत्मीनान मिलेगा? अब कौन तुम्हारे साथ होगा जब कोई नहीं होगा? अब किस पर भरोसा करके परेशानी में भी नहीं टूटोगे? जब दुनिया का इम्तिहान खत्म होगा और मौत आएगी तो किसके पास वापस जाओगे? जिसने तुम्हें पहली बार बनाया तुम्हें फिर बनाएगा, तब क्या करोगे? जब इतने हिसाब से चलने वाली कायनात का बनाने वाला तुम्हारा हिसाब करेगा, तब क्या करोगे? जब गैब की छुपी हुई दुनिया तुम्हारी आंखों के सामने होगी, तब भी क्या इनकार करोगे? क्या उस जबरदस्त ताकत वाले की सजा को बर्दाश्त कर पाओगे जब तुम्हें सिर्फ अपने कारनामों का हक से मुंह मोड़ने का रिजल्ट मिलेगा? जब खाली हाथ बेबस खड़े होंगे तब तुम्हारा क्या होगा? जब सब दोस्त रिश्तेदार छोड़ देंगे तुम्हें, तब तुम्हें कौन बचाएगा? उसकी छोटी नेमतों को तुमने दुनिया में देखा, जब उसकी हमेशा की खुशी वाली जन्नत को तुम देखोगे तो क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा कि तुम्हें भी वहां रहने मिलता? दुनिया की आग को तुमने देखा, जब जहन्नम की जबरदस्त खौलती हुई आग में तुम्हें डाला जाएगा तो कितने वक्त तक बर्दाश्त कर पाओगे? मेरे दोस्त, अब भी वक्त है। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो मतलब अब भी जिंदा हो।
सच्चाई का इनकार मत करो, सच्चे दिल से कबूल कर लो, माफी मांग लो उससे, वो माफ कर देगा, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाओगे। ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए आप हमारा तावुन करें सुपर थैंक्स के जरिए। आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। डोनेशन, इस्लामिक सवालात या इस वीडियो के मुतालिक मालूमात के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9588888826 पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इट्स एन आई प्लस टीवी प्रोडक्शन।